हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं पुष्पा गौर, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। और आज मैं आप लोगों के साथ में सिंपल मसालेदार पुलाव कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया हुआ है 1 बड़ा चम्मच, और उसमें मैं जीरा डाल दूंगी और 2 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। इसके बाद में मैं प्याज डालूंगी, और प्याज के बाद में मैं लहसुन भी डाल दूंगी, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं भून लूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टमाटर डाल दिया है, और टमाटर को मैं अच्छे से गलाने तक पकाऊंगी। और यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया और गरम मसाला, ये चारों मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इन सभी चीज़ों को मैं मिला करके और टमाटर को अच्छे से गलने तक मैं पकाऊंगी। देखिए, हमारे टमाटर काफ़ी कुछ गल गए हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिए हुए, इनको मैंने पहले से ही धोकर गला दिया था, उनको भी मैं ऐड कर दूंगी, चला दूंगी। और इसमें मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है, और आलू भी मैंने काटे हुए थे, एक्चुअली मैं डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड कर दिए हैं। तो आलू भी मैंने ऐड कर दिए हैं, पानी भी ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक को हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, और इन सबको मिक्स कर देंगे, और हम ढककर इसको पकाएंगे। और मैंने कुकर में नहीं बनाया, कढ़ाई में बनाया है। ये देखिए, हमारा पुलाव एकदम बनकर रेडी हो गया है, और बहुत ही टेस्टी बने हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप लोगों को पसंद आए तो ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा।